टेरर फंडिंग केस में एनआईए की कोर्ट में दोषी करार हो चुके अलगाववादी नेता यासीन मलिक के गुनाहों का हिसाब हो चुका है। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि एनआईए ने यासीन मलिक को सजाए मौत देने की मांग की थी। यासीन मलिक जेकेएलएफ चीफ है। यूएपीए के तहत जेकेएलएफ यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। एनआईए ने कोर्ट में कहा था कि लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन से नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमला करके घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम दिया। उधर कोर्ट ने भी माना है कि मलिक ने आजादी के नाम पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया भर में एक नेटवर्क स्थापित कर लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन को दोषी ठहराया था। स्पेशल जज ने यासीन पर आईपीसी की धारा 120B के तहत 10 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं 124A के तहत 10 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यूएपीए की धारा 17 के तहत आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यूएपीए की धारा 13 के तहत 5 साल की सजा, यूएपीए की धारा 15 के तहत 10 साल की सजा, तो वहीं यूएपीए की धारा 18 के तहत 10 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यूएपीए की धारा 20 के तहत 10 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही यूएपीए की धारा 38-39 के तहत 5-5 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यासीन मलिक ने 19 मई को सुनवाई के दौरान कबूल कर लिया था कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को फैसला आने से पहले कोर्ट पहुंचे यासीन मलिक ने कहा वो खुद के खिलाफ लगाए गए आरोपों का विरोध नहीं करता। इन आरोपों में यूएपीए की धारा 16 आतंकवादी कृत्य, 17 आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना, 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश और धारा 20 आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना तथा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र रचना और 124A राजद्रोह शामिल है। उसने कहा अगर मैं 28 साल के दौरान किसी आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं और खुफिया एजेंसियां ये साबित करती हैं तो मैं भी राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मुझे फांसी मंजूर होगी। मैंने 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा, मैं अपनी किस्मत का फैसला अदालत पर छोड़ता हूँ। वहीं एनआईए जस्टिस प्रवीण सिंह ने कहा कि एनालिसिस से पता चलता है कि गवाहों के बयानों और सबूतों से लगभग सभी आरोपियों का एक दूसरे से संपर्क और पाकिस्तानी फंडिंग साबित हुई है। एनआईए ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था। इस मामले में एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ 18 जनवरी 2018 को चार्जशीट फाइल की गई थी। यासीन मलिक को बीते साल गिरफ्तार किया गया था और तब से तिहाड़ जेल में है। टेरर फंडिंग के अलावा यासीन मलिक पर 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का आरोप है जिसे उसने स्वीकार किया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का आरोप भी है। वहीं कश्मीरी पंडितों की हत्या और उन्हें घाटी छोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप भी यासीन मलिक पर है। यासीन मलिक के मामले में सुनवाई के दौरान पूरे दिन गहमा गहमी देखने को मिली। इस बीच अदालत के बाहर हंगामा जारी रहा और सजा के ऐलान के बाद हालात और बिगड़ने के आसार भी हैं। वहीं श्रीनगर के पास मैसूमा में यासीन मलिक के घर के पास मलिक समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प के बाद सामने आई है। यहां पत्थरबाजी के बाद हालात इतने बिगड़े कि सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। श्रीनगर के पास मैसूमा में यासीन मलिक का घर है। मलिक के घर के आसपास सुरक्षा बल के जवान तैनात हो गए हैं और ड्रोन से इलाके की निगरानी लगातार की जा रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।